आईसीसी ने हाल ही में अंडर 19 विश्व कप को श्रीलंका में ना कराने का फैसला किया था, जबकि इस टूर्नामेंट का मेजबान श्रीलंका ही था। अब इस टूर्नामेंट को साउथ अफ्रीका में कराए जाने का फैसला लिया गया था। इस फैसले को लेने के पीछे का कारण यह था कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड में सरकार के बढ़ते हस्तक्षेप के कारण आईसीसी ने उनके क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया था। लेकिन आईसीसी की एक प्रेस विज्ञप्ति से मिली जानकारी के अनुसार आईसीसी ने एसएलसी के प्रतिनिधित्व की बात सुनने के बाद श्रीलंकाई क्रिकेट टीम को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने की अनुमति दे दी है। इसके बाद एसएलसी की तरफ से आई एक प्रेस विज्ञप्ति में यह कहा गया कि 21 नवंबर को आईसीसी बोर्ड बैठक में एक पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेते हुए एसएलसी के अध्यक्ष श्री शम्मी सिल्वा ने आईसीसी बोर्ड से क्रिकेट में राजनीतिक हस्तक्षेप के मुद्दे को सुधारने के लिए श्रीलंकाई सरकार को अतिरिक्त समय देने का आग्रह किया है। इस प्रेस रिलीज में यह भी कहा गया कि आईसीसी बोर्ड ने राजनीतिक हस्तक्षेप के जवाब में विश्व रग्बी और फीफा द्वारा लगाए गए इस तरह के निलंबन का संज्ञान लेते हुए निष्कर्ष निकाला कि इस मुद्दे को संबोधित करने और सुधारने के लिए श्रीलंकाई सरकार को पहले ही पर्याप्त समय दिया जा चुका है। नतीजन आईसीसी बोर्ड ने श्रीलंका क्रिकेट के निलंबन का फैसला लिया था, जो कि अब बदल दिया गया। अब अंतर्राष्ट्रीय मैच श्रीलंका टीम खेल सकती है।